नमस्कार जी सभी को, आज मैं ले आई हूँ अगला लेक्चर बेसिक आइडियाज ऑफ वेक्टर कैलकुलस एंड फील्ड्स पे। फिफ्थ लेक्चर है इसका, जो फोर्थ लेक्चर रहा उसके अंदर हम लोगों ने ग्रेडियंट को डिस्कस किया। ग्रेडियंट वाज ग्रेजुअल चेंज इन अ स्केलर फील्ड इन अ पर्टिकुलर रीजन ऑफ स्पेस। हमने उसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन और एग्जामिनेशन एक्सपेक्टेड पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड था वो हमने डिस्कस किया। उसके बाद जो चाहे स्टूडेंट्स पंजाब यूनिवर्सिटी के हों, पंजाबी यूनिवर्सिटी के हों, GNDU के हों, दिल्ली यूनिवर्सिटी के हों, या हरियाणा के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी के या किसी भी स्टेट में किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हों, फिजिक्स का एग्जामिनेशन होगा। जब भी फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आएगा, ये हो ही नहीं सकता कि उसके में अंदर एप्लीकेशन पार्ट्स उसके अंदर आपको ना मिले। यानी कि ग्रेडियंट को आप लोग किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, मीन्स न्यूमेरिकल्स। सो टुडे आई एम हेयर विद न्यूमेरिकल्स ऑफ ग्रेडियंट। बहुत ही अच्छे तरीके से हम करेंगे, आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आएगा। हमें ये पता है कि ग्रेडियंट ऑफ एनी क्वांटिटी क्या, किस तरीके से हम इसको एक्सप्रेस करते हैं, हमें बेसिकली इसको इसके ऊपर ऑपरेट करवाना होता है, दैट्स इट। ये पाई आपको दिया रहेगा एग्जामिनेशन में किसी भी फॉर्म में, किसी भी तरीके से आपको ये डेफिनेटली गिवन होगा। तो आप लोग क्या करेंगे, इस डेल ऑपरेटर को उसके ऊपर इंप्लीमेंट करवा देंगे, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। डेल ऑपरेटर क्या होता है, आई कैप कर्ली बाय कर्ली एक्स, जे कैप कर्ली बाय कर्ली वाई, के कैप कर्ली बाय कर्ली जेड, इसको हम इम्प्लीमेंट करवाएंगे एवरी टाइम ऑन पाई। ये पाई आपको दिया रहेगा एग्जामिनेशन में कि ये कीजिए, ये कीजिए, ये कीजिए, और आपको करते जाएंगे कठपुतलियों की तरह, जस्ट लाइक पापेट्स, और बनना भी पड़ेगा अगर मार्क्स चाहिए तो। तो इस तरीके की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, तो आज मैं वो लेकर आपके सामने आ गई हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। मान लीजिए आपको फर्स्ट प्रॉब्लम, एक मैं बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम के साथ आप लोगों के सामने खड़ी हो रही हूँ। सबसे पहले तो फाई सपोज कीजिए आपको दिया गया है, फाई इज इक्वल टू 3x² y माइनस, ध्यान से देखिए एक्स वाई जेड तीनों इन्वॉल्व होंगे बीच में, सो इट विल बी y³ z² आप लोगों को फाई फंक्शन दे दिया गया है एंड यू हैव बीन आस्क्ड टू कैलकुलेट दिस ग्रेडियंट ऑफ फाई, ग्रेडियंट ऑफ, इसको ग्रेड फाई इस तरीके से भी लिख देते हैं। आपको ये पूछा गया है कि इसको आप कैलकुलेट कीजिए 1-2, 1 के ऊपर, यू विल हैव टू फाइंड आउट इट्स वैल्यू 1-2 और -1 दे देती हूँ। चलो मैं इसके ऊपर आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए क्या मेथड रहता है, मैंने आपको भी समझाया व्हाट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, विल बी आपको डेल ऑपरेटर्स जो है वो फाई के ऊपर इम्प्लीमेंट कर देना है। डेल ऑपरेटर को लिखिए आई कैप कर्ली बाय कर्ली एक्स, जे कैप कर्ली बाय कर्ली वाई, के कैप कर्ली बाय कर्ली जेड, सो इट विल बी एक्टिंग ऑन 3x² y माइनस y³ z² तो देखिए अब हमें क्या करना है, जैसे आप नॉर्मली मल्टीप्लीकेशन करते हैं, आप इसको इसके ऊपर, इसको इसके ऊपर, इसको इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर दीजिए। सो लेट सी, ये डेल ऑफ फाई या ग्रैड फाई इट विल बी इक्वल टू आई कैप कर्ली बाय कर्ली एक्स, किसके ऊपर, पूरी टर्म के ऊपर, 3x² y माइनस y³ z² प्लस जे कैप कर्ली बाय कर्ली वाई, 3x² y माइनस y³ z² प्लस के कैप कर्ली बाय कर्ली जेड, 3x² y माइनस y³ z². अब देखिए हमें क्या करना है, अब हमें सिंपली डेरिवेटिव करना है, नथिंग एल्स। और ये कर्ली बाय कर्ली एक्स का मतलब क्या होता है, इट इज़ पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव मीन्स जो वेरिएबल यहाँ लिखा रहता है आपको सिर्फ उसी वेरिएबल को वेरिएबल मानना है, बाकी सबको कांस्टेंट मान के अपना काम करते जाना है। तो अब देखिए मुझे यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, इट मीन्स माई एक्स इज वेरिएबल ओनली, वाई एंड जेड आर कॉन्स्टेंट, तो ये टर्म तो डेरिवेटिव जीरो हो गया क्योंकि वाई भी कॉन्स्टेंट है और जेड भी कॉन्स्टेंट है। यहाँ पे देखिए 3x² y है हमारे पास, x का डेरिवेटिव हमें करना है, y को कांस्टेंट मानना है। अब इसका क्या बनेगा, x का क्या बन जाएगा, 2x into 3 इट विल बी 6x, y ऐसे ही पड़ा रहेगा, सो इट विल बी 6y, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव डन। उसके बाद आप लिखिए j कैप, सेकंड टर्म पे आ जाइए, यहाँ पे y हमारा वेरिएबल है एंड z इज कांस्टेंट, तो नेचुरली आपको इन दोनों टर्म्स को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर भी y है, इसके अंदर भी y है। y का डेरिवेटिव 1 तो ये बन जाएगा 3x² क्योंकि 3x² एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, बेचारा शरीफ बच्चा बन के बैठा रहेगा। अब यहाँ पे y उदंड बच्चा है और z क्या है, शरीफ बच्चा है, ये एज सच बैठा रहेगा z², इसका आप कर देंगे डेरिवेटिव, सो इट विल बी 3y² z² प्लस k
के कैप, यहाँ पे आपको विद रिस्पेक्ट टू जेड डेरिवेटिव करना है, तो फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव हो जाएगा जीरो, सेकेंड टर्म के अंदर इट विल बी टू वाई क्यू जेड। ये काम हमने कर लिया। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, अब जो पॉइंट्स हम लोगों को दिए गए हैं हमें उन पॉइंट्स की वैल्यूज पुट करनी है। हमें दिया गया 1 -2 -1, अगर आपको ये पॉइंट नहीं दिया रहता तो आपके पास ग्रेडियंट आ गया था, दैट्स इट। आपको वैल्यू पूछी गई है तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करवा दीजिए। एक्स को हमें पुट करना है 1, फर्स्ट टर्म में मेरे पास है वाई, वाई को मुझे पुट करना है -2, तो 6 -2 ये बन जाएगा -12 आई कैप। फर्स्ट टर्म मेरी -12 आई का आई कैप आ गई। अब सेकंड देखिए, हमें एक्स को क्या पुट करना है, प्लस जे कैप इंटू एक्स हमें पुट करना है 1, सो इट विल बी 3 -3। वाई को हमें पुट करना है -2 -2 -2 प्लस हो जाएगा, इट विल बी इंटू 4। जेड को भी हमें पुट करना है 1 माइनस के कैप इंटू 2 -2 का क्यूब, तो -8 बन जाएगा इंटू 8, और z की वैल्यू है -1, तो ये हो जाएगा +1। तो हमारा आंसर क्या आ गया, इट विल बी -12 i कैप। ये देखिए 4 3 12 एंड 3 - 12 इज व्हाट 9, सो इट विल बी -9 j कैप एंड -16 k कैप एंड दैट्स इट। सो दिस वाज कि किस तरीके से आपको ग्रेडियंट के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो सॉल्व करने हैं। बड़ा आसान तरीका है। कई बार क्या होता है, ये तो है कि जब आपको सिंपली फंक्शन दिया हो आप बड़े आराम से इसको हैंडल कर सकते हैं, बट व्हाट अबाउट अगर आपको कोई वेरिएबल फॉर्म में ग्रेडियंट जो है वो कैलकुलेट करने को दे दें, पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में दे दें, और जनरली मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ यही काम करती हैं, इतना आसानी से नहीं छोड़ेंगी वो आपको। सो समटाइम्स आपको एग्जामिनेशन में ये दिया रहता है फाइंड ग्रेडियंट ऑफ 1/r, कर दीजिए। वेर आर इज़ वाट, आर इज़ पोजिशन वैक्टर, यहाँ दिया रहता है आर पोजिशन वैक्टर है। अब आपको क्या करना होता है, पोजिशन वैक्टर हमें पता है एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप इसके इक्वल होता है, बट ग्रेडियंट तो स्केलर क्वान्टिटी का लिया जाता है और हमसे स्केलर का ही पूछा गया है, 1/r का पूछा गया है। आर लिख लीजिए पहले यहाँ से, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस आर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इसकी रूट, जिसको मैं 1/2 लिख सकती हूँ। मुझसे ग्रेडियंट पूछा गया है 1/r का, और डेल क्या होता है, आई कैप करली बाय करली एक्स, जे कैप करली बाय करली वाई, के कैप करली बाय करली जेड, डॉट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 1/2। अब आप इसको सॉल्व करना है, एक्स का डेरिवेटिव अलग, वाई का अलग, जेड का अलग, तो करते जाइए करते जाइए। आई कैप करली बाय करली एक्स क्या बनेगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 1/2 प्लस जे कैप करली बाय करली वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 1/2 प्लस के कैप करली बाय करली जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 1/2। अब आपको करना है इसका डेरिवेटिव, मैं यहाँ से लिखना शुरू कर दूँ क्योंकि लंबी टर्म बन जाती है। सो आई कैप एज सच, इसका डेरिवेटिव हमें पता है पावर आगे आ जाती है, सो 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ पे जो पावर बैठी होती है सिर पे चढ़ के हम इसको क्या कर देते हैं, छोटा, हम इसको करेंगे -1/2 -1, सो इट विल बी -1/2 मल्टीप्लाइड बाई, इसका आर्ग्यूमेंट का डेरिवेटिव भी हमें साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ता है, सो इट इज़ 2 × x। तो इस 2 से ये 2 चला गया, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, x। सपोज मैं इस x को आगे लिख लेती हूँ, ये मेरे पास फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव आ गया। अब एग्जामिनेशन में इतना टाइम तो होता नहीं इतनी लंबी लंबी को सॉल्व करें, तो सीधा मुझे पता है कि अगले वाले में मेरे पास क्या आएगा, j कैप y, क्योंकि मुझे विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करना है, बाकी सारी टर्म रहेगी एज सच -1/2। इसी तरीके से थर्ड टर्म में मेरे पास आ जाएगा z k कैप, और मेरे पास रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर -1/2। तो अब देखिए, इसको मैं फर्दर ऑन लिखने की कोशिश करूं तो मेरे पास क्या आएगा, डेल ऑफ 1/r इज इक्वल टू, देखिए सारी टर्म्स में से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, वी कैन टेक कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर
पावर माइनस वन बाय टू अगर मैं सारे में से कॉमन ले लेती हूँ तो मेरे पास क्या बच जाता है, अंदर बचा एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। देख लीजिए अभी भी और कुछ रहता तो नहीं है, सिर्फ यही टर्म हमारे पास बची है या कुछ और बचा? एक बहुत बड़ी गड़बड़ करेंगे, वन बाई आर का ले रहे थे हम, वन आर का नहीं ले रहे थे। इट मीन्स हमारे पास यहाँ पे जो डेरिवेटिव था वो माइनस वन बाय टू का था। ये टर्म भी माइनस वन बाय टू, ये टर्म भी माइनस वन बाय टू, ये टर्म भी माइनस वन बाय टू, तो हमारे पास आगे माइनस आना था। एवरी टर्म के आगे माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, टू से टू तो कैंसिल होना ही था। हाँ, लेकिन ये जो पावर है ये माइनस वन बाय टू माइनस वन मीन्स दिस विल बिकम माइनस थ्री बाय टू। तो छोटा सा डेरिवेटिव पार्ट है, आप लोग इसको कर सकते हैं। सो माइनस थ्री बाय टू, तो माइनस थ्री बाय टू जो है वो मेरे पास कॉमन निकल गया, एक माइनस भी मेरे पास बाहर आ गया। अब मैं अपने रिजल्ट के नज़दीक हूँ। इन न्यूमेरिकल्स की खूबसूरती ये कि आपको आंसर एक्सपेक्टेड होगा तो आपको पता चल जाएगा कि कहीं आप गलती तो नहीं कर रहे हैं जैसे मैंने अभी किया। ये हमारे पास बन गया है आर वैक्टर माइनस आर वैक्टर अपॉन देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसकी वन बाय टू, इसकी मैं क्यूब लिख सकती हूँ एंड दिस इज़ व्हाट आर। तो ये क्या हो गया, माइनस आर वैक्टर अपॉन आर क्यूब। तो ये था ग्रेडियंट पोजिशन वैक्टर आर के मैग्नीट्यूड का वन अपॉन के अंदर लेके। इस तरीके के न्यूमेरिकल्स आपको एग्जामिनेशन के अंदर प्रॉबेबल रहते हैं, यू कैन डू एनी टाइम। फॉर एग्जाम्पल मैं अगला वाला कंसीडर करूँ, मैं इसको इरेज किए दे रही हूँ। इसी तरीके से हम डाइवर्जेंस कर्ल सब की तरफ मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट आपको सपोज एग्जामिनेशन में आया कि प्रूव दैट, नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रूव दैट ग्रेडियंट, जरूरी नहीं है कि डाय डॉट लिखा हो, समटाइम्स ग्रेड वर्ड लिखा होता है, इसका मतलब क्या है आपको ग्रेडियंट लेना है लॉग आर। अब लॉग आर का आपको ग्रेडियंट लेना है और आपको ये कहा गया कि इसको प्रूव करो ये क्या है, आर यूनिट वैक्टर अपॉन आर। अब करिए कैसे करेंगे, यूनिट फैक्टर क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड होता है। अगर हमारे पास वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड आ गया, ये आर आ गया, तो हम कहेंगे कि हम अपने रिजल्ट के नज़दीक हैं। तो अब देखिए आपको इसमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेके हम अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। सो ग्रेडियंट लॉग आर का मुझे लेना है, मीन्स मुझे डेल डॉट अप्लाई करना है लॉग आर के ऊपर। आर इज व्हाट, पोजिशन वैक्टर, उसका मैग्नीट्यूड है। जब ऊपर वैक्टर नहीं लिखा होता इट मीन्स इट इज मैग्नीट्यूड। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगी, पहले मैंने डेल वेक्टर लिख लिया, आई कैप करली बाय करली एक्स, जे कैप करली बाय करली वाई, के कैप करली बाय करली जेड। इसको मैंने इम्प्लीमेंट किया किसके ऊपर, लॉग ऑफ आर। आर मुझे पता है एक्स स्क्वायर, अभी एक न्यूमेरिकल के अंदर हमने बात की पिछले के अंदर, पावर वन बाय टू है और ये वन बाय टू पावर आगे आ जाती होती है। पहले मैं एक एक लिख लूँ उसके बाद हम इसको आगे ले लेंगे। तो अब देखिए फर्स्ट टर्म आई कैप करली बाय करली एक्स, किसका, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर वन बाय टू। फिर से जे कैप करली बाय करली वाई, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर वन बाय टू। फिर से के कैप करली बाय करली जेड, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर वन बाय टू। अब ये क्योंकि हमें पता है लॉग ए पावर बी हो तो बी आगे आ जाता है, पावर आगे आ जाती है, तो आप इसको हाफ आगे ले सकते हैं। हाफ यहाँ से भी आगे आएगा, यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी आएगा। मान लीजिए मैंने सबसे बाहर ले लिया, वन बाय टू सबसे बाहर आ गया। अब वन बाय टू सबके आगे से ख़त्म। अब हमें क्या करना है, करली बाय करली एक्स किसका लेना है, लॉग का। आई कैप लिखा हुआ है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स, इट मीन्स इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो इट विल बी 2x। उसके बाद आइए प्लस सिमिलरली j कैप 2y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सिमिलरली k कैप 2z एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देख लीजिए फिर से कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है, ध्यान से देखिए। लेट मी सी, ठीक है, पावर्स भी सब ठीक लिए हमने, सो वी आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक। अब देखिए ये टू
सबका कॉमन निकाल के इस टू से ख़त्म कर देती हूँ मैं इसको। तो अगले स्टेप के अंदर ये टू खत्म हो गया, अब मेरे पास बचा, अब जो डिनोमिनेटर में टर्म है मैंने इसको भी कॉमन ले लिया, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कॉमन आ गया, और अंदर हमारे पास बचा विद इन ब्रैकेट एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। तो अब इसको मैं और सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकती हूँ, यहाँ लिख दे रही हूँ मैं इसको, ये जो टर्म हमारे पास आई है दिस इज़ आर वैक्टर और ये मैग्नीट्यूड। तो देखिए ये मेरे पास क्या आया आर वैक्टर और ये मेरे पास क्या आ गया आर स्क्वायर है, बिकॉज हमें पता है आर किसके इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसकी पावर 1/2, और अगर मैं स्क्वायर कर देती तो इसके इक्वल आ गया ये। अब हमें ये पता है इसके अंदर से, देखिए मैंने इसको ऐसे लिख लिया आर आर इंटू आर एंड दिस इज वाट यूनिट वैक्टर वैक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, सो ये हो गया आर कैप अपॉन आर हैंड्स प्रूफ। तो इस तरीके से हमने अपना रिजल्ट क्या कर लिया, प्रूव कर लिया। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स ग्रेडियंट के केस में बनते हैं। तो लेट अस सॉल्व वन मोर, जितने भी ये मैं न्यूमेरिकल्स यहाँ पे करवा रही हूँ ये प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन के अंदर अपीयर हो चुके न्यूमेरिकल्स हैं, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स एग्जामिनेशन में डेफिनेटली स्टूडेंट्स को मिलते हैं। सो नेक्स्ट सपोज यू आर गोइंग टू फाइंड आउट प्रॉब्लम नंबर शायद हमारी 4 है, ग्रेडियंट सपोज आपको कैलकुलेट करने के लिए कह दिया जाए कि आप आर पावर एन का कैलकुलेट कीजिए, एक बड़ा जनरल सा न्यूमेरिकल मैं करवा रही हूँ कि इसके अलावा पावर कोई भी आ जाए आप बड़े आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको उसका रिजल्ट भी बता देती हूँ, इट विल बी एन आर पावर एन माइनस टू एन आर पावर एन माइनस टू इंटू वैक्टर आर, इसके इक्वल मान लीजिए हमें इसको प्रूव ही करना है। तो हम लोग अपनी लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल पड़ते हैं, सो डेल डॉट आर पावर एन, आर इज़ वाट पोजिशन वैक्टर, आर की वैल्यू मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, आर की वैल्यू अभी हमने लिखी थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 1/2 है, अगर मैं एन कहूँगी तो ये हो जाएगा एन बाय टू। तो आई कैप करली बाय करली एक्स, जे कैप करली बाय करली वाई, के कैप करली बाय करली जेड डॉट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर एन बाय टू। अब हमें इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, फिर से वही कहानियाँ शुरू हो गई हैं, आई कैप करली बाय करली एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर एन बाय टू प्लस जे कैप, फिर उसी तरीके से करली बाय करली वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर एन बाय टू प्लस के कैप करली बाय करली जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर एन बाय टू। अब कीजिए इसको डिफ्रेंशिएट, आई कैप पावर आगे आ जाएगी डेरिवेटिव के अंदर, जो सिर पे चढ़ी बैठी है पावर उसको माइनस वन कर देंगे, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एन बाय टू माइनस वन किया इन टू, इसका भी डेरिवेटिव आएगा 2x, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा सिर्फ ये x और n, यानी कि यहाँ से मेरे पास बचा एन एक्स, बिल्कुल सेम अगली टर्म का डेरिवेटिव होना है, यहाँ पे x वेरिएबल था यहाँ पे y वेरिएबल हो जाएगा, तो x की जगह हम y लिख देंगे, j कैप एन y। इन न्यूमेरिकल्स की एक खूबसूरती है कि आप एक टर्म को सॉल्व कीजिए बाकी दोनों ऑटोमेटिकली सॉल्व, माइनस वन प्लस k कैप एन z x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर पावर एन बाई टू माइनस वन एंड यू आर डन, आंसर तो आपका आ गया, लेकिन हमें उस फॉर्म में लेके जाना है, देखिए एन एन सबसे बाहर आ गया, कॉमन आ रहा है एन, एन भी कॉमन आ रहा है एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर एन बाय टू माइनस वन भी मेरे पास कॉमन ही है, और आई कैन से मैं इसको लिख सकती हूँ, इसको अगर आप एलसीएम को सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा एन माइनस टू अपॉन टू आएगा, क्योंकि हमारे पास क्या था एन बाय टू माइनस वन, एन माइनस टू अपॉन टू मैंने इसको सॉल्व कर लिया एलसीएम लेके, अंदर मेरे पास क्या बचा एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप एंड दिस इज़ व्हाट आर वेक्टर, और ये हमारे पास क्या है इसको देखिए मैं क्या लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2 और इसकी पावर आई कैन से एन बाय टू, और ये हमारे पास है आर वेक्टर। तो ये जो टर्म है अंदर क्या बन गया आर क्या मैग्नीट्यूड, तो एन आर मैग्नीट्यूड पावर एन बाय टू इंटू आर वैक्टर, हैंस प्रूव आ गया रिजल्ट हमारा फिर से।
तो इस तरीके से आप जनरलाइज करके कोई भी वैल्यू, अगर यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन में आपको सपोज ये कह दें कि डेल डॉट आर क्यूब कैलकुलेट करिए, ये जनरल रिजल्ट मुझे पता है, 3r पावर, यहाँ पे 3 - 2 1 आ जाएगा, r वेक्टर ही हमारा आंसर आ जाएगा। अगर r पावर 5 कह देते हैं तो 5r³ × r वेक्टर ही आंसर आ जाएगा। तो n वाली पावर सॉल्व करके आप बड़ी ईजिली इन न्यूमेरिकल्स को हैंडल कर सकते हैं। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आप ट्राई करते रहिए, कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ जाती है मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कहिए या पर्सनली कॉन्टैक्ट करिए, मैं और वीडियोस के साथ आ जाऊंगी इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेके। ऑल्दो जिस टाइप की प्रॉब्लम्स आपको एग्जामिनेशन में मिलती हैं, आई हैव कवर्ड दोज। थैंक यू सो मच।